दुर्ग जिले में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर आप पार्टी ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मटका फोड़ अपना प्रदर्शन कर जिलाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग की टीम ने जिला लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अमित हिरवानी, प्रदेश अध्यक्ष आईटी विंग के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्ट्रेट में दुर्ग जिले में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचा और सदस्यों के साथ मटका फोड़ कर विरोध प्रकट किया। साथ ही जिलाधीश के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि सड़क, बिजली, पानी की 75 साल की यही कहानी है। इस अवसर पर डॉक्टर एस के अग्रवाल ने कहा कि विश्व में कितने देश हैं जो मूलभूत समस्याओं, सड़क, बिजली, पानी का स्थायी समाधान निकालकर आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा देश आज भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस तथा भाजपा की स्थानीय सरकारों ने पानी की समस्या को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। इस अवसर पर आपके सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में शासकीय योजनाओं का बखान करते सच्चाई से अवगत कराया। दुर्ग जिले में और इवन पूरे छत्तीसगढ़ में अभी गर्मी में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हम लोग जब भी डोर टू डोर जा रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पानी की जबरदस्त समस्या है। लोग जमीन में दो दो तीन तीन फीट गड्ढा खोद के वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, मग्गे से, और उसको छान के पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इससे बीमारी तो फैलेगी, थोड़े दिन बाद अब जॉन्डिस का, पीलिया का प्रकोप फैलेगा। फिर लोग बोलेंगे कि प्रकोप फैल रहा है, ये नेचुरल होता है करके, हर साल फैलता है। तो हर साल फैलने के पीछे कारण यही होता है कि पानी की समस्या, उसमें सीवरेज लाइन भी साथ में जुड़ी हुई रहती है, नाली के थ्रू पानी की लाइन जाती है, उसमें से कहीं लीकेज होगा तो पानी खिंचाता है नाली का पानी। यही हम लोग समस्या लेने के लिए आए थे कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ग्रैंड सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।